गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, तो उसका आपको टेबल यानी पहाड़ा आना जरूरी है। जैसे हम 324 को यहाँ पर किससे गुणा करने वाले हैं, 5 से गुणा करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर इस 5 की टेबल आनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसको 5 से गुणा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 की टेबल आपको 4 बार बोलनी है। 5 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो 20 में बेटा कितनी है, 20 ऐसा होता है जिसमें 2 डिजिट फर्स्ट और सेकंड यानी दो अंकों की संख्या है। तो इसमें से आपको कौन सा लेना है, इकाई वाला अंक यानी 1 से ही को ही आपको यहाँ पर ले लेना है। तो इसके नीचे आप रखेंगे 0 और उस 2 को आप वहीं छोड़ देंगे, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20, 20 की 0 और ये 2 यहाँ पर कैरी के बचेंगे, उनको वहीं छोड़ देना है। ये 2 आगे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तब काम में आएगा। अब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का फड़ा 2 बार बोलेंगे 10 और 10 में आप 2 ये कैरी जोड़ देंगे तो 11 और 12 12 हो जाएगा ना, और 12 के लिए फिर से यहाँ पर 2 ही आएगा और जो 1 है ना वो यहाँ पर कैरी का रह जाएगा, 12 का 2 और 1 रहेगा यहाँ पर कैरी का यानी हासिल का। अब बेटा आपको क्या करना है, 5 की टेबल है वो 3 बार बोलनी है, यानी 5 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 5 3 15 और 15 में आप 1 ही हासिल वाले जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने 16 यानी 16। लेकिन अब 16 का यहाँ पर कायदे से 6 लिखना था क्या भाई, हम अभी तक तो ऐसा ही कर रहे थे, यानी इसका इकाई का अंक रख रहे थे, 1 से ही तो रख रहे थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये कंप्लीट रखना है। क्यों, क्योंकि अब आगे के जो नंबर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, आपका ये वाला जो 5 की टेबल का जो मामला था वो यहाँ पर ख़त्म है, आगे कोई संख्या नहीं है। तो ये 16 पूरा का पूरा आपको यहाँ पर उतार देना है। तो बस यही इसका यहाँ पर आंसर बन गया। अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई हम इसको देखेंगे, अच्छे से समझना, सारे मल्टीप्लाई आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो इसमें हमें किन किन के पहाड़े बोलने पड़ेंगे, एक तो 9 की टेबल बोलनी पड़ेगी, 1 2 की, 1 5 की और 1 4 की। सबसे पहले हम 9 की बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 4 बार, फिर 9 की 3 बार, फिर 9 की 0 बार, फिर 9 की 3 बार और फिर 9 की 2 बार, और वो पहले लाइन में, यानी 9 को पहली लाइन में लिखना है। 2 की जब टेबल बोलेंगे तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, 5 की टेबल बोलेंगे तो तीसरी लाइन में लिखेंगे और 4 की टेबल बोलेंगे तो चौथी लाइन में लिखेंगे। चलो 9 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 9 चौके 36 होते हैं और 36 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और जो कैरी है या जो हासिल है वो कितनी होगी आपके पास गाइज 3 हो जाएगी आप, ठीक है। फिर 9 की टेबल आप कितनी बार बोलेंगे 3 बार, तो 9 थी 27 और 27 में आप 3 ऐड करेंगे तो 27 और 3 कितने 30, 30 की यहाँ पर हम रख देंगे बेटा कितनी 0, तो हासिल कितनी रह जाएगी आपके पास 3। अब 9 की टेबल कितनी बार बोलनी है 0 बार, किसी भी नंबर की टेबल अगर हम 0 बार बोलते हैं ना तो हमेशा 0 ही आता है, यानी 9 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे 0 आएगा और 0 में हम कितना ऐड करेंगे 3, यानी किसी भी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, तो 0 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, कोई कैरी हमारे पास है नहीं। अब 9 की टेबल बोलेंगे आप कितने टाइम 3 टाइम यानी 3 टाइम, तो 9 थी 27, कैरी है नहीं तो 27 का कितना होगा यहाँ पर 7 और हासिल कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। फिर 9 की टेबल कितनी बार बोलेंगे आप 2 टाइम, तो 9 दूनी 18, 18 में 2 हासिल और जोड़ देंगे तो 18 और 2 जाएंगे 20, अब 20 का 0 नहीं 20 का 20 ही रखेंगे क्योंकि आगे नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप 20 का 20 रख लेंगे। तो 9 का काम यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आएगी किसकी, 2 की, तो 2 की टेबल आपको बोलनी है तो 2 की शुरुआत आप यहाँ से करेंगे, तो इसके ये जो पहले वाला है 9 का पाड़ा बोल चुके हैं तो 9 के नीचे अब क्या रहेगा यहाँ पर क्रॉस रहेगा, यानी 9 वाली जगह यहाँ पर क्या रहेगी खाली रखी जाएगी, इसके नीचे आप कुछ भी नहीं रख सकते, शुरुआत 2 के सिद्ध से करेंगे आप यहाँ से। तो 2 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, तो यहाँ पर आपको 8 रख देना है, ठीक है। फिर 2 की टेबल बोलेंगे 3 बार, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी कोई हासिल नहीं है तो यहाँ पर आपको 6 का 6 रख देना है, ठीक है, कोई हासिल नहीं है। अब 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे आप 0 बार, और 2 को आप 0 से जैसे ही गुणा करेंगे तो पता है आपको बेटा 0 ही आएगा, आ गया 0। फिर 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे आप 3 बार, तो 2 3 फिर से 6 आ गया आपके पास, कोई हासिल नहीं है। और 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हमने 2 की टेबल बोल दी, 9 की टेबल बोल दी, अभी किसकी बोलनी है आपको, 5 की। 5 की टेबल बोलनी है तो आपको शुरुआत भी 5 के नीचे से ही करनी है यहाँ से, तो इसके पीछे की ये जो दोनों अंक है
वो क्या रहेंगे, यहाँ पर खाली रहेंगे, यानी यहाँ पर आप कोई अंक नहीं रखोगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगा दो, मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, खाली स्थान है, ठीक है। तो अब बारी आ गई किसकी, पाँच की। तो पाँच की टेबल आप चार बार बोलेंगे तो पाँच चौके होते हैं 20, और 20 की इस जगह आएगी कितनी, जीरो, और हासिल की कितनी हो जाएगी, ये वाली दो। फिर पाँच की टेबल आप तीन बार बोलेंगे तो 5 3 15, और 15 में दो हासिल वाली जोड़ देंगे तो 17, 17 के लिए गाइज 7, और एक हो जाएगी आपके लिए केरी। अब पाँच की टेबल आप जीरो बार बोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जीरो ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से गुणा करते हैं ना तो वहाँ पर जीरो ही आ जाता है। तो पाँच को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, जीरो में आप एक ऐड कर देंगे तो जीरो और एक एक ही हो जाएगा, तो पाँच और जीरो का भी हो गया। अब पाँच की टेबल तीन बार बोलेंगे 5 3 15, यानी 15 हो गया, और 15 है लेकिन पीछे कोई हासिल तो थी नहीं, तो 15 का कौन आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी 15 का 5, और हासिल की फिर से एक हो जाएगी। अब पाँच की टेबल बोलेंगे दो बार, 5 दूनी 10, और एक हासिल वाली 11, कितने हो गए 11, 11 का एक नहीं लिखेंगे, 11 का 11 ही लिखेंगे, क्योंकि अब आगे संख्या समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको 11 का 11 रखना है। अब बारी आ गई चार का फाड़ा बोलने की। चार का फाड़ा बोलेंगे तो जो अंक रखेंगे ना वो चार के नीचे, मतलब यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, तो इसके पीछे जितने भी जो डिजिट बचे हुए थे, जो अंक है, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब आप चार की टेबल बोलेंगे चार बार, तो 400 कितने होते हैं, 16, 16 का यहाँ पर 6, और एक हो जाएगी हासिल की। फिर चार की टेबल कितने बार बोलेंगे, तीन बार, तो 4 3 12, और एक ही हासिल वाली लगा देंगे तो 12 और एक कितना हो जाएगा, 13, हासिल की फिर से एक हो गई। अब चार की टेबल बोलेंगे जीरो बार, यानी चार को जीरो से गुणा करेंगे, और चार को जीरो से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, और ये वाली एक जो हासिल है वो जीरो में जुड़ेगी, तो जीरो और एक एक हो जाएगा, ठीक है। अब चार की टेबल कितने बार बोलेंगे, आप तीन बार, तो चार के आप तीन बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, हासिल पीछे थी नहीं, तो 12 का यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 2, और हासिल कितनी होगी आपके पास, फिर से 1। और चार की टेबल आप दो बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8, और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 9। तो हमने यहाँ पर सबसे इनको गुणा कर दिया और इनकी प्रत्येक लाइन यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद का जो हमारा काम है वो क्या है, इन सबको आपको यहाँ पर ऐड करना है, इन सबको आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और इनको बारी बारी से हम यहाँ पर अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये 6 है तो ये 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई और अंक तो है नहीं नीचे, तो 6 का 6। 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 6 में ऐड करेंगे तो 9 और 0, मतलब 9 का 9 ही रहेगा। फिर 7 और 0 7 और 6, यानी 7 और 7 14 और 6 20, कोई हासिल तो थी नहीं, 20 की हो जाएगी 0, और हासिल कितनी हो जाएगी, 2। 2 को आप 6 में जोड़ दो, हासिल वाल को पहले जोड़ देते हैं 8, 8 1 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 के लिए 2 और 1 हो जाएगी हासिल, उसको इसमें पहले जोड़ दो, 3, 3 में 4 को जोड़ दो 7, 7 में 5 को जोड़ दो 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, 13 का 3 और 1 हासिल, वो इसको जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, और 2 कितने हो जाएंगे, 4। अब के बार कोई हासिल तो है नहीं, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो हम उसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से गुणा करना आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।